अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदा किसन टीवी पर चौधरी अख्तर फार्मियो और डॉक्टर परवेज मसूद आज फिर एक वीडियो के साथ हाजिर रह रहे हैं। और आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जो हमारी गलतफहमी का शिकार है। हम उस साइंस को समझते नहीं हैं और हम सब उस गलतफहमी का शिकार हैं। ग्रीन टी कहते हैं जी, ग्रीन टी वज़न कम करती है। अब कैसे वज़न कम करती है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इस मौजू पर डॉक्टर साहब एक न्यूट्रिशन है और उनका इस पर बड़ी ग्रिप है, ये उनका फील्ड भी है। आज हम उनसे ये पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये क्या लॉजिक है कि जो ग्रीन टी है ये वज़न कैसे कम करती है, ज़रा इसको बताइए, समझ में नहीं आ रही, आज आप ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल आपका? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज ज़रा मेरे आम नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो ग्रीन टी है उमून लोग इसलिए पीते हैं जनाब कि चर्बी घुलेगी, ख़त्म होगी, या ग्रीन टी पियोगे, क्या वो ग्रीन टी में ऐसी कौन सी साइंस है कि जो उसमें करती है, ज़रा उसकी तफसील तो बताइएगा ज़रा। अख्तर साहब, बात यह है कि यहाँ पे एक नाई या एक जो हकीम है जिसकी प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं होती, वो कहता है जी मेरे पास कैंसर का भी इलाज है, मेरे पास हेपेटाइटिस सी का भी इलाज है, और मैं बगैर जो है वो ऑपरेशन के आपके वॉल्व भी खोल सकता हूँ दिल के। तो इस तरह के तो हमारे यहाँ शुभदाबाज अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन मुझे हैरानगी है कि ग्रीन टी के मामले में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस करवा दी कि ये जो है वेट लॉस करती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक नहीं बताते कि भाई लॉजिक कहाँ से कैसे करती है, तो ये नहीं बताएंगे आपको। तो वो पूरी कौम जो है वो ग्रीन टी पर लगी हुई है और धड़ाधड़ पी जा रही है, सुबह दोपहर शाम जी वेट लॉस हो रहा है, और वेट लॉस नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मेरी जो बहनें हैं जो घर में बैठी हैं, वो इस उम्मीद पे कि मैंने आज 4 कप पी लिए तो आज मेरा तो कम से कम आधा किलो वज़न कम हो गया होगा, लेकिन बजाय आधा किलो कम होने के वो हो सकता है बढ़ गया हो, क्योंकि चीनी तो ऐड हो रही है ना, कैलरीज वो ले रही हैं। ठीक है, तो असल जो था इसमें जो वेट लॉस करने का जो एक कंसेप्ट है वो ये है, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, बल्कि एक नेशनल चैनल पर एक खातून बड़ी वो पाउडर शाउडर लगा के बैठी हुई थी, तो मैं भी इन्वाइटेड था वहाँ पर टॉक शो में, तो मेरे से पहले वो खैर टॉक शो चल रहा था, मैं सुन रहा था। तो वो ये कह रही थी कि जनाब ग्रीन टी के ये फ़ायदे हैं कि आपकी चर्बी पिघल जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और आपको जो है इस 3 टाइम 4 टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और ये वो। तो मैंने खैर उनसे जब टॉक शो ख़त्म हुआ तो मैंने कहा मोहतरमा आप डॉक्टर हैं जी? कहती हाँ। तो मैंने कहा जी आपको ये कैसे वेट लॉस, चर्बी ख़त्म कैसे होगी, ग्रीन टी से ख़त्म कैसे होगी, उसमें कौन सा केमिकल है जो फैट को डिस्ट्रॉय करता है या कुछ करता है या उसको बर्न करने में मदद देता है, तो आप बताएं तो सही ना मुझे। तो उनको पता ही नहीं था, तो वो लेकिन वहाँ पे वो और हमारे चैनल्स जितने हैं वो भी ये कोशिश ये करते हैं कि बंद संवर के वो सुर्खी पाउडर लगी हुई खवातीन बता रही हूँ, तो खवातीन भी मर्द भी उनको ज़रा अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं दी, तो इसलिए मैं ज़रा इससे आ रही हूँ, तो मैं YouTube पे फिर बताऊँगा। बात यह है कि जब आप ग्रीन टी लेते हैं तो उसमें आप लीमू निचोड़ते हैं, असल काम लीमू करता है, ग्रीन टी नहीं करती। लीमू क्या करता है, लीमू एक एसिड है जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, जब आप फैट को एसिड से मिलाते हैं तो सोप बन जाता है और सोप हज़म नहीं होता। तो आपने जितना आपके पेट में चर्बी गई होती है सालन के थ्रू, आपने कोई फ्राई खाई हुई है, कुछ खाया हुआ है, तो जब आप ग्रीन टी में लीमू निचोड़ के वो पी लेते हैं तो आपके मैदे के अंदर जो फैट मौजूद होती है वो उस एसिड से कंबाइन कर जाती है, और उस एसिड से कंबाइन करके वो सोप बन जाता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो माएँ दादियाँ वो थीं, तो वो जब जुलाब देना होता था तो वो सोप पिला देती थी, यानी आपने अगर जुलाब लेना है तो सोप पानी में घोल के पिला देते थे, क्योंकि वो हज़म नहीं होता था और वो एक्सपेल कर देता था सारी जो आपकी डाइट है उसको, तो इस तरीके से वो आप कहते थे जी मैदा वाश हो गया, अदरवाइज सोप अगर डाइजेस्ट होता होता तो वो अंदर स्टे करता। और तो इसलिए जो है वो असल काम लीमू का है। अब आप यहाँ पे देख लें, कॉमन सेंस है कि आपके बर्तन के ऊपर अगर चिकनाई लगी हुई है और आप उसको जो मर्जी पानी से धोते रहें वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप लीमू का एक कतरा डाल के उसको रगड़ते हैं या एसिड डाल दें
तो वो सारी चिकनाई जो है वो उतर जाती है। इसका मतलब है कि उसमें ग्रीन टी का कोई कमाल नहीं, सारा कमाल लेमन का, लेमन का। तो क्या आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे अगर वो ग्रीन टी नहीं है तो डायरेक्ट अगर लेमन का इस्तेमाल करें तो क्या वो रिजल्ट वही ले? सेम रिजल्ट, बल्कि उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि उधर आप चीनी ऐड कर रहे हैं, यानी एनर्जी आप ऐड कर रहे हैं, कैलरीज ऐड कर रहे हैं, तो वो जो लेमन है उसकी कुछ जो एसिड है वो उस चर्बी को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन साथ में शुगर जो आपकी इन हो रही है वो आपकी चर्बी को बढ़ा देगी। तो इस सूरत में वो उसका असर जो है वो ज़ायल हो जाता है, और इस तरीके से ये जो है आप लेमन के असर को भी ज़ायल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें कि जैसे ही आप कतरा डालेंगे वो फैट जितनी है वो, उसके बाद आप पानी डालेंगे तो वो ड्रेन हो जाती है, वो बर्तन बिल्कुल साफ चमक बिल्कुल। और बल्कि टीवी पे अक्सर लोग लेमन मैक्स है, साबुन है, बिल्कुल इसलिए, बिल्कुल चीजें हैं, तो वो ये इसीलिए है कि वो फैट को कंबाइन करता है और इस तरीके से वो ड्रेन हो जाती है। तो इस आप खामखा खुशफहमी में ना रहें कि जनाब हमारा वजन वो जो है ना ग्रीन टी से हो रहा है। आप सिंपल, बल्कि ये तो हदीस भी है, बल्कि हमारे जो है वो क्या कहते हैं हमारे प्यारे पैगंबर ने भी सिरके का इस्तेमाल किया हुआ है, तो सिरके का इस्तेमाल भी यही काम करता है, सिरका भी यही काम करता है, वो भी एसिड होता है और वो एसिड जो है फैट के साथ कंबाइन होके, तो इसमें ये हिकमत थी। और हमारे जो आप हमारे नाजरीन को जो वो आप चर्बी से बड़े परेशान हैं, मोटापे से बड़े परेशान हैं और खुसूसन ख्वातीन हैं, और इस वाले से आपको टिप देना चाहें ताकि वो जब प्रोग्राम के एंड पर देख वो हो तो उनको ये महसूस हो कि आज डॉक्टर परवेज़ मसूद परवेज़ ने एक बड़ी अच्छी बात की और हम इस पर इंशाल्लाह अमल करें करें। इसका एक बेहतरीन तरीका है, या तो आप जो सैलड लेते हैं ठीक है, या फिर ये है कि आप लेके फ्रिज में कोई बॉटल में आप सिरका लेके उसमें प्याज और दूसरी सब्जियां डाल के वो रख दें, तो इस तरीके से आप एक एसिड की एक अच्छी खासी मकदार इन कर लेंगे, और जब वो इन हो जाएगी तो आपके सालन में, क्योंकि हम शौकीन तो हैं ना ये तली हुई चीज़ों खाने के, तो कम से कम कुछ फैट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और आप स्मार्ट हो जाएंगे। तो ये इसकी नाज़रीन, आज आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, इससे पहले वो कट्टे और अच्छों की बातें करते थे, आज उन्होंने इंसानों की बातें की, और उन लोगों के लिए जो अपने मोटापे से बहुत परेशान हैं उनको स्मार्ट करने का नुस्खा बता दिया, और वो जो उनके लिए कि जो इस गलतफहमी में शिकार है कि हम ना ग्रीन टी पी रहे हैं और हमारा वज़न कम हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने हकायक से बात साबित कर दी है। फैसला आपका है, आपने क्या करना है, खर्चा बढ़ाना है कि नेचुरल तरीका अख्तियार करना है, इलाज बिल गज़ा करना है या क्या करना है, फैसला आपका है। मालिदा कम पानी देना, मालक फल लावे या ना लावे। इसमें एक और चीज़ में नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम इस पे करेंगे, क्योंकि ये बड़ा डेफिशिएंट फील्ड है, बिल्कुल लोग इस पे बिल्कुल कोई मैंने चैनल नहीं देखा जो आपको सही गाइड कर रहा हो, और अगर कोई है भी तो वो नीम हकीम टाइप लोग हैं और वो इसी तरीके से आपको कहेंगे कि ये कुश्ता बना के खा लें तो इससे ये होगा, आप ये जो है नमक जो है उसको चीनी में मिला के खा लें तो ये हो जाएगा, हालांकि ऐसा वो कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा कोई रिएक्शन कर बैठते हैं लोग। तो एक डॉक्टर साहिबा भी आती हैं यूट्यूब पे और उनका बड़ी वो व्यूअरशिप बहुत बढ़ती जा रही है, और जब मैंने उनका वो पढ़ा तो पता चला कि जी वो तो सिंपली हकीम है, और हकीम की कोई डिग्री नहीं होती, इसलिए वो कोई भी बन सकता है। वो तो हमारे मोहल्ले का नाई भी बड़े मशवरे अच्छे देता है कि वो ये कर लें तो ये हो जाएगा, वो बाल भी उगा लेता है गंजे के कि जी ये तेल लगा लें तो आपके बाल उग जाएंगे, और जब मैं कभी जाया करता हूँ अपने गांव में तो अभी भी वो कहता है कि जनाब ये कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे, ये कर लें तो, इवन मेरे जो गाँव का तांगे वाला है कभी उससे भी डिस्कशन होना यार कि मेरे पेट में दर्द है, तो वो भी आपको कोई ना कोई नुस्खा ज़रूर बताएगा। तो पाकिस्तानी तो सारे ही डॉक्टर हैं, तो इसमें डॉक्टर और इंजीनियर जो है ना वो तो सारे ही हैं, तो इसलिए जो है आगे हम कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे। ठीक है नाजरीन, कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ, नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और मेहमान डॉक्टर मसूद परवेज़ को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।